हेलो फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर आ रही है विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को लेकर के कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को जल्द मिल सकती है यूजीसी की अनुमति और पाठ्यक्रम का 40% हिस्सा पढ़ा सकेंगे ऑनलाइन, यानी कि उनको अनुमति मिल जाएगी और जो पाठ्यक्रम है उसका 40% वो ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे, जिससे कि अगले साल परीक्षा को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देख रहे हैं परीक्षाएं खिसकती हुई चली जा रही है, परीक्षाएं आगे बढ़ती चली जा रही है, तो जो सिलेबस के लिए टाइम मिलेगा वो टाइम कम हो जा रहा है। तो ऑनलाइन जब स्टडी स्टार्ट हो जाएगी तो 40% अगर ऑलरेडी पढ़ा दिया जाएगा तो जब एग्जामिनेशन लास्ट वालों का हो जाएगा तो जब रेगुलर कॉलेज चलेगा तो कोर्स को पूरा किया जा सकता है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को जल्द ही यूजीसी की ओर से किसी भी सिलेबस का 40% हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से गठित की गई विशेषज्ञ समिति के विश्वविद्यालयों कॉलेजों में मिश्रित एजुकेशन विषय पर मसौदा संकल्पना ने इस बात का जिक्र किया है कि कमीशन ने इस पर 6 जून 2021 तक सुझाव मांगा है कि इस पर क्या सुझाव दिया जाएगा। 60% जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस संबंध में कमीशन के सचिव रजनीश जैन ने कहा है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में किसी भी सिलेबस के 40% हिस्से को ही ऑनलाइन मोड में पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। बाकी बचा जो 60% पाठ्यक्रम है उसको ऑफलाइन के जरिए ही पढ़ाया जाए। सचिव के अनुसार दोनों ही माध्यमों में परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन मोड में ही किया जा सकता है, यानी कि जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन ही होगी। क्या है मसौदा संकल्पना? तो मसौदा संकल्पना को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें विशेषज्ञों की टीम की ओर से ऑनलाइन व ऑफलाइन मिश्रित शिक्षण कार्य के लिए योजना बनाई जा रही है। और इससे क्या फायदा होगा? तो मसौदा संकल्पना के अनुसार विद्यार्थी के लिए मिश्रित एजुकेशन यानी कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के फायदे हैं। इससे बेहतर ढंग से सीखने का मौका मिलता है, सूचना के आदान प्रदान में भी काफ़ी अहम जानकारी मिलती है। वहीं मसौदा में मिश्रित एजुकेशन के तहत शिक्षक की भूमिका को परिभाषित किया गया है। इसके तहत कहा गया है कि शिक्षकों की पढ़ाई जो भूमिका है वो पढ़ाई में ज्ञान प्रदान करने के साथ आगे बढ़कर के कोच और मार्गदर्शक की होने वाली है। तो इस तरह से ये सारी बातें की जा रही हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को लेकर के कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी के कोर्स किस तरह से कंप्लीट कराया जाए, जिससे कि पढ़ाई को और भी इफेक्टिव बनाया जा सके, लोगों तक हर एक व्यक्ति तक पहुँचा जा सके। अगर कुछ टाइम पीरियड जा रहा है तो उस टाइम का ऑनलाइन के माध्यम से यूज किया जा सके। जब लोग बाहर नहीं जा सके, COVID-19 सिचुएशन जब तक इस तरह से बनी रहती है तब तक ऑनलाइन 40% जो पाठ्यक्रम है उसको कंप्लीट अगर कर लिया जाएगा तो 60% रहेगा, तो उसको हम ऑफलाइन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मसौदा संकल्पना है इसी पर कार्य करती है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।